साढ़े चार साल में जो कुछ हुआ है वो आम लोग राजस्थान का जानता है कि कितना काम हुआ है। अपने आप में उदाहरण है कोटा का ये स्थान, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है। चुनावों में फायदा मिलेगा सर कांग्रेस पार्टी को? 100% फायदा मिलेगा। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री। सर आप बताइए कैसा लग रहा है आपको कोटा का रिवर फ्रंट, कोटा का कायाकल्प? कोटा एक ऐतिहासिक काम माननीय धारीवाल जी ने किया है कोटा में, और कोटा आज विश्व पर्यटन के नक्शे के ऊपर सबसे आगे आ चुका है। आज इसके अंदर विभिन्न जिलों की अलग अलग जगहों की झांकी है, और रिवर फ्रंट पे जो काम हुआ है वाकई ये काबिल तारीफ है। और आने वाले टाइम में कोटा खाली कोचिंग हब के नाम से जाना जाता था, अब जो है कोटा पर्यटक स्थल के नाम से भी आगे आ गया। तो ये अशोक गहलोत का ऐसा मॉडल है जिसका जवाब नहीं है आपको लगता है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास ना पहले कोई जवाब था ना अब कोई जवाब है। तो देखिए दो मंत्रियों से हमने बातचीत की है, लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव, वो दोनों ही अभिभूत हैं इस प्रोजेक्ट को देखकर। उनका कहना है कि जो ये मॉडल है विकास का, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है किसी के पास, और वो काफी तारीफ इसकी कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ गंगा देवी जी, बताओ गंगा जी कैसा लग रहा है रिवर फ्रंट? बढ़िया, अच्छा, दोबारा कांग्रेस की सरकार ले आओ। दोबारा पाओगे तो फिर घर वालों को भी लेके आओगे? नहीं ले आएंगे, नहीं घुमाएंगे। बताइए सतवीर भाई कैसा लग रहा है? देखिए जो डेवलपमेंट का मॉडल है राजस्थान का वो साफ दिखाई दे रहा है कोटा में, और जिस तरह का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने और धारीवाल जी के यहाँ हुआ है पूरा राजस्थान आज देख रहा है। बहुत शानदार मॉडल है, और मैं समझता हूँ कि विकास का जो काम हुआ है सही मायने में राजस्थान की सरकार ने किया है। 2030 का जो मिशन है सरकार का, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोटा ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में इस तरह का मॉडल जो है सरकार को देखने। हमारे साथ गोपाल बीना जी भी हैं, बताओ गोपाल भाई कैसा लग रहा है रिवर फ्रंट कोटा? बहुत शानदार है कोटा, धारीवाल जी को सदैव जीवन भर याद रखेंगे जब तक ये रहेगा, जब तक धारीवाल जी का नाम रहेगा। वास्तव में इतना शानदार जो चीज बनाई है, मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में कहीं इंडिया में भी ऐसी जगह नहीं है। साफिया जी आई अलवर जिले से, बताओ मैडम कैसा लग रहा है आपको कोटा? बहुत शानदार लग रहा है, जिस तरह से यह डेवलपमेंट किया गया है मुझे लगता है आने वाले दिनों में राजस्थान का टूरिस्ट कोटा शहर को जरूर विजिट करेगा और यहाँ के इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। तो देखिए आप तमाम विधायक और मंत्री भी फर्स्ट इंडिया के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, और सभी शांति धारीवाल को एक तरीके से विकास पुरुष बता रहे हैं कोटा का। कहना यही है कि जो कोटा के लोग हैं, हाड़ौती के लोग हैं, वो याद करेंगे जो शांति धारीवाल है उनको। हमारे साथ शांति धारीवाल जी का परिवार भी है, उनके पोते मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। बताइए सर कितनी मेहनत की आपके दादाजी ने इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की? देखिए दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी, धूप हो बड़ी तेज धूप में, जून जुलाई की धूप में लगे रहे, मतलब रात को 12-12 एक एक बजे तक मीटिंग्स होती थी, खुद स्केच करते थे। मुझे लगता है इनका एक पर्सनल इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्ट मतलब जो मॉन्यूमेंट डिजाइनिंग है ना, स्केचिंग करना इज पर्सनल इंटरेस्ट। और एक देश को एक नई धरोहर मिली है, एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी है, और ये सुपर डुपर हिट चलेगी। ये आप ऐसी ऐसी मॉन्यूमेंट्स, ऐसी ऐसी कलाकारियां यहाँ हुई हैं। मैंने कई मंत्रियों से बात की जो आपके दादाजी के सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं कि विकास पुरुष है शांति धारीवाल, और हाड़ौती की जनता कभी उनको भुला नहीं पाएगी जो काम उन्होंने कोटा में किया। यकीनन ये बात तो हम लोग अपने मुँह से कैसी तारीफ करें उनकी, लेकिन उनकी तारीफ काबिल है। इस एज में भी इतनी डेडिकेशन और धूपों में किलोमीटर के किलोमीटर चलना एक आम बात तो नहीं है, और मेहनत दिख रही है आज। लेकिन अब साथ के वाले मंत्रियों और विधायकों की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं कि अगले UDH मंत्री होंगे धारीवाल, तो वो कह रहे हैं हम भी अपने अपने जिले में पकड़ के ले जाएंगे धारीवाल साहब को कि कोटा जैसा खूबसूरत बनाओ, भीड़वाड़ा को, चित्तौड़ को। विजन ही ऐसा है, उनके विजन को सलाम करते हैं लोग, हम भी इंस्पायर होते हैं उनके विजन से। ये पोते हैं शांति धारीवाल के, जो कह रहे हैं कि उनके दादाजी ने, शांति धारीवाल ने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, कई विजिट की, कई मीटिंगें ली, खुद स्केच बनाए, खुद सारी डिजाइन देखी, सबको ओके किया, और इसमें तो कोई दुराय नहीं कि इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट जमीन पर दीपिका तभी उतरता है जब बहुत काम करें, आपका विजन हो, आपके अंदर हर चीज की समझ हो। ये ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें सिर्फ आप अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दो।